ये तस्वीर आप देख सकते हैं, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा ली गई सैटेलाइट पिक्चर है और इसमें आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी पर तूफान जैसी स्थितियां इस समय बनी हुई है और इस समय एक्टिव मॉनसून कंडीशन भी देश के कई राज्यों पर दिखाई दे रही है। लगभग आप देख सकते हैं इस समय साइक्लोनिक स्टॉर्म जैसी इंटेंसिटी पाए लेकर यह सिस्टम आगे बढ़ रहा है। ये निम्न दबाव के क्षेत्र में बना हुआ है और इसके अगले 2 से 3 घंटे या फिर देर रात्रि तक एक वेल मार लो प्रेशर की इंटेंसिटी में आने की, यानी कि वेल मार लो प्रेशर एरिया जब यह बनेगा तब काफ़ी ज़बरदस्त इंटेंसिटी में रहेगा और कई राज्यों पर भारी मानसूनी बारिश देगा। इस समय की तस्वीर आप देख सकते हैं, इस समय कहाँ पर बादल बने हैं तो लगभग आप देखिए कि काफ़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी हो रही है उड़ीसा के इलाकों पर, साथ साथ छत्तीसगढ़ के इलाके और बिहार झारखंड सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों पर भी मौसम में बदलाव है। इन क्षेत्रों पर काफ़ी ज़बरदस्त इस समय बारिश हो रही है। मैं कुछ और सैटेलाइट पिक्चर भी आपको दिखाऊँगा, अभी आगे आप देखेंगे कि किस तरह से यह सिस्टम उमर घुमड़ रहा है, साथ ही साथ अगले आने वाले समय में किस तरीके से सिस्टम आगे बढ़ता है, साथ साथ इसका किस दिशा में प्रदर्शन रहेगा, किस दिशा में आगे बढ़ेगा। अगर ये सेंट्रल इंडिया की राज्यों की तरफ बढ़ता है तो कहीं ना कहीं फिर से बारिश के प्रदर्शन को सेंट्रल यानी कि मध्य भारत के राज्यों पर बढ़ावा देगा, राजस्थान तक और गुजरात तक बारिश होने की संभावना बढ़ेगी। या फिर ये सिस्टम इस दिशा में आगे बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश के या बिहार की ओर बढ़ता है, ये अब आगे हम देखेंगे, इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें और मौसम से जुड़ी जानकारी के लिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। चलिए देखते हैं इस समय लाइटनिंग के साथ कहाँ पर हो रही है बारिश। लाइव लाइटनिंग की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, लाइटनिंग के साथ कई राज्यों पर अच्छे बादल बने हैं और सबसे अधिक बादल आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी पर इस समय है और ये बादल इस निम्न दबाव के क्षेत्र के हैं। ये निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ इस तरह से और इस तरह से बादलों का फ्लो इसमें चल रहा है। लाइटनिंग स्ट्राइक थंडरस्टॉर्म की गतिविधियाँ इस समय आप देख सकते हैं कि बिहार के तमाम राज्यों पर बादल हैं, झारखंड में बादल हैं, इसके अलावा छत्तीसगढ़ उड़ीसा के भी कई हिस्सों पर, पूर्वी उत्तर प्रदेश पर भी बादल बने हुए हैं और ये बादल इसी सिस्टम के चलते हैं और आने वाले समय में यानी कि रात्रि तक इन बादलों के और प्रभावशाली होकर भारी बारिश देने की है। इन क्षेत्रों पर काफ़ी भारी बारिश देंगे। इसके अलावा कुछ हल्के फुल्के बादल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बने हुए हैं, तमाम हिस्सों पर तो नहीं है लेकिन कुछ इलाकों में बने हुए हैं, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश से लगे हुए इलाके हैं वहाँ पर बादल बने हुए हैं और आप देख सकते हैं कि उत्तरी मध्य प्रदेश पर लाइटनिंग के साथ कुछ इलाकों पर हल्की बारिश हो रही है। इसके अलावा अब जो नए बादल बन रहे हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते, वो बादल राजस्थान के बीकानेर से लेकर जैसलमेर तक को प्रभावित करेंगे। इन क्षेत्रों पर काफ़ी अच्छी बारिश होने की संभावना बनती हुई नजर आएगी धूल भरी हवाओं के साथ, साथ साथ गुजरात के पूर्वी भागों पर जिसमें कुछ इलाकों पर बादल हैं लेकिन बाकी शेष शहरों पर शुष्क मौसम बना हुआ है, हाई क्लाउड्स बादल बने हुए हैं, ये बारिश नहीं दे रहे हैं। और ये तो रही बंगाल की खाड़ी पर इस समय बादलों की कंडीशन, साथ साथ देश में बारिश की बात। चलिए तो अब देखते हैं कि अब विंड के मॉडल्स क्या कुछ प्रोजेक्शन देते हैं सिस्टम के ऊपर, किस तरीके से सिस्टम आगे बढ़ेगा, किस दिशा में आगे बढ़ेगा, साथ साथ भारत के किन राज्यों पर भारी बारिश देगा, आइए जानते हैं। बंगाल की खाड़ी पर बना सिस्टम आप देख सकते हैं कि अगर मैं आपको रेनफॉल की इमेज इस समय की दिखाने की कोशिश करूं तो लगभग इस समय आप देख सकते हैं कि अरेबियन सी से काफ़ी ज़्यादा इंटेंस इस सिस्टम को मिल रहा है, साथ साथ बंगाल की खाड़ी के एक बड़े हिस्से पर इस समय भारी बारिश हो रही है। साथ साथ आप देख सकते हैं कि उड़ीसा के भुवनेश्वर से लेकर तमाम जो इलाके हैं बिहार झारखंड के, वहाँ पर नमी मात्रा में अंदर की हवाओं की स्थिति की बात करें तो लगभग मॉडल दिखा रहे हैं कि 49 किलोमीटर की भीषण हवाएँ चल रही है बंगाल के खाड़ी के ऊपर, यानी कि क्या डिप्रेशन तो नहीं बन रहा। अगर ये डिप्रेशन बनता है तो मैं आपको इन्फॉर्म जल्दी कर दूंगा। फिलहाल इसके निम्न दबाव के बाद वेल मार लो प्रेशर की इंटेंसिटी में आने की संभावना है, मौसम विभाग ने कहा है। इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो लगभग आप देख सकते हैं कि हवाओं का फ्लो किस तरह से है, हवाएँ कोटा झांसी के ऊपर से होते हुए इस तरह से उत्तर प्रदेश को कवर करते हुए फिर से बंगाल की खाड़ी के अंदर आ रही है और इस सिस्टम को बढ़ा रही है। ये तो रही रेनफॉल की इमेज की बात, अब बात करते हैं आगे सिस्टम किस दिशा में आगे बढ़ता है। तो मैं आपको आगे मॉडल्स दिखाने की कोशिश करूँ तो लगभग आप देख सकते हैं कि अरबिंद सी की हवाएँ, बंगाल की खाड़ी की हवाएँ और सिस्टम के अकॉर्डिंग आप देखिए किस तरह से एक्टिव मॉनसून कंडीशन बनेगी। लगभग 1 अगस्त तक ये सिस्टम रेनफॉल करेगा जमीनी भागों को, जिसमें बिहार झारखंड सहित पूर्वोत्तर भारत के एक बड़े हिस्से पर भारी से बहुत भारी बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा। इसके अलावा उड़ीसा छत्तीसगढ़ और पूर्वी उत्तर प्रदेश पर भी अच्छी भारी बारिश होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। सिस्टम का रुख आप देख सकते हैं अभी तक के अनुसार, अगर हम देखें 3 अगस्त तक की अगर मैं बात करूं, 3 अगस्त को ये सिस्टम लगभग छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्सों पर रहेगा, कोरबा और
आसपास के इलाकों पर, बिहार झारखंड के भी इलाकों के आसपास बना रहेगा। तो इसके प्रभाव से आप देख सकते हैं कि गंगा के मैदानी वाले बेल्ट्स पर काफ़ी ज़्यादा हवाएं पहुंचेगी। साथ साथ दक्षिण में नागपुर, इंदौर से लेकर जो दक्षिण भारत के राज्य हैं, मध्य भारत के राज्य हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन तमाम इलाकों पर अच्छी बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अगर आगे दिखाने की कोशिश करूँ तो आगे आप देख सकते हैं कि लगभग ये सिस्टम जो है वो कमज़ोर हो रहा है, और कमज़ोर होने के बाद ये सिस्टम उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर पहुँचेगा और फिर लगभग इस तरह से इनका इंटेंस रहेगा और बिहार के ऊपर यह सिस्टम पहुँचेगा। और बिहार के ऊपर आते आते सिस्टम आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भागलपुर और आसपास के इलाकों पर कमज़ोर होने लगेगा और फिर खत्म हो जाएगा। तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने देखा कि लगभग जो अरबियन सी की हवाएं हैं जब तक चलेगी तब तक बंगाल की खाड़ी पर सिस्टमों के बनने की संभावना ज़्यादा बनती हुई नज़र आ रही है। और साथ साथ आपको बता दूँ कि मौसम विभाग का यह भी कहना है कि यह सिस्टम आने वाले समय में लगभग देश के अधिकांश राज्यों पर मौसम को बदलेगा और जिन क्षेत्रों पर बारिश नहीं हो रही थी वहाँ पर भारी बारिश देगा, जिसमें बिहार, झारखंड सहित पूर्वोत्तर भारत के बड़े इलाके पर अच्छी मॉनसून की बारिश होगी। साथ ही साथ आपको बता दूं कि भारत के सेंट्रल भागों पर पहुंचेगा, जिसमें पूर्वी मध्य प्रदेश और उससे लगे हुए छत्तीसगढ़ के इलाकों पे, तब इसका प्रदर्शन रहेगा दिल्ली पर भी, बिहार, उत्तर प्रदेश के इलाकों पर भी, पंजाब, हरियाणा पर भी, साथ साथ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी पर्वतीय क्षेत्रों पर होकर निकलेगा, गुजरेगा। तो काफ़ी अच्छी बारिश की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है और साथ साथ अरबिंद सी की हवाएं लगातार मॉनसून को सक्रिय रखेगी। भारत के जस्ट नीचे हिंद महासागर में भी एक्टिविटी होने लगी है और ये एक्टिविटी आप देख सकते हैं कि सिस्टम को, आगामी सिस्टम के लिए परिस्थितियों को बताती हुई नजर आ रही है। यानी कि ये सिस्टम कम दबाव का क्षेत्र यहाँ पर बन रहा है हिंद महासागर पे, तो अब इसके अकॉर्डिंग किस तरह का माहौल रहता है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। धन्यवाद।